नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। जल भराव आवागमन बाधित है, इसकी वजह है बारिश। बता दें कि मथुरा में उमस भरी गर्मी से जहां राहत मिली तो वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया। दूसरी ओर इस बारिश के चलते शहर में ज्यादातर हिस्सों में जल भराव हो गया। भुवनेश्वर नया बस स्टैंड, महाविद्या गोविंद नगर या फिर हो सेक्टर जीवन, रामलीला ग्राउंड, बीएससी रोड, कृष्णा नगर, चौक बाजार, होली गेट सहित कई जगहों पर आपको बता दी कि जल भराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में वाहन बंद पड़ गए, लोग इधर उधर वाहनों को खींचते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कल जन्माष्टमी थी, जिसकी वजह से शहर में श्रद्धालु काफी संख्या में मौजूद थे और वो अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे थे। लेकिन इस भारी बारिश के बाद शहर में जल भराव के चलते उनको ऑटो, टैक्सी या रिक्शा मिलने में काफी दिक्कतें भी हुई। श्रद्धालुओं ने नगर निगम और जिला प्रशासन को जमकर कोसा। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन शहर में जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन हर बार की तरह उसके दावे हवा हवाई हो गए और स्थानीय लोगों की माने तो नालों की तड़ी ताड़, जिस तरीके से आपको बताते चले कि झाड़ सफाई ना होने के कारण और पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण जरा सी बारिश के बाद भी शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते हर बार लोगों को नुकसान होता है। बरसात ने नगर निगम के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे कि जहां सड़कों पर कई कई फीट पानी हिलोरे मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहारी जी की कृपा है, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था देखी जाए तो एकदम घटिया है। चौक में तो काफी पानी है जी, यहाँ यहाँ तक का पानी वाले में आनंद आ रहा है। बिल्कुल, कैसा लग रहा है? उनको बढ़िया लग रहा है, आराम से पब्लिक बढ़िया मस्त ले रही है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली आगरा ट्रैक पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताते चले कि बारिश की वजह से रेलवे स्टेशन से मथुरा की तरफ रेलवे ट्रैक के नीचे बन रही नाली की पुलिया अचानक धस गई। गनीमत यह रही कि उस समय ट्रेन कोई भी उधर से नहीं गुजरी ट्रैक पर। बताते चले कि शाम लगभग 4:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां पर गेटमैन ने इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। हालांकि आनन फानन में सभी गाड़ियों को जहां के तहां वहां पर आपको बता दें कि रोक दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल बता दें कि रुकवाया और उसके बाद रेलवे ट्रैक के नीचे के पुलिया धंसने का पता चलते ही ट्रैक संचालन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। लगभग 5 घंटे तक आपको बता दें कि दिल्ली आगरा रूट बंद रहा और 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें भी प्रभावित हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चौंकाने वाला जो है बयान दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी देश की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा उनका कहना है। बता दें उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी 2024 में बीजेपी का सिंहासन पलटेंगे और 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बाकी होने के बावजूद यूपी से प्रियंका की गैर हाजिरी के सवाल पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि प्रियंका गांधी को एक राज्य की सीमा से नहीं बांधा जा सकता, वे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 2024 में वे बीजेपी का सिंहासन पलटेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली है। छोटी पार्टियां भी आपको बता दें कि इसमें नजर आएंगी। यूपी के विधानसभा चुनाव के परिणाम उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चौंकाने वाले होंगे। प्रियंका गांधी जी को किसी एक राज्य की सीमा में बांधना ठीक नहीं है, उन्हें किसी एक राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उनकी लोकप्रियता पर, उनकी कार्यकुशलता पर, उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल खड़ा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस देश की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। भारत का भविष्य और आप देखना एक दिन इस देश की खबर का बागपत से सामने आई है, जहां पर रालोद अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया के बिगड़े बोल सामने आए। बता दें कि उन्होंने क्षेत्रीय सांसद के विषय में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। रालोद की न्याय यात्रा के दौरान बताते चले कि सिसाना में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच उन्होंने
योगी पर भी और मोदी पर भी जो हमका निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि आने वाले समय में लोकदल का होगा और रालोद को वोट देने की लोगों से अपील भी की। दरअसल बागपत के सिसाना गांव के मंदिर में पंचायत चल रही थी जिस बीच वो पहुंचे थे। सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी कोतवाली क्षेत्र के कुलहुई ग्राम सभा में एससी लाल यादव व एससी शिवकुमार सरोज और महिला रक्षी अनुराधा गुप्ता की उपस्थिति में ग्राम कुलहुई के महिलाओं को नारी सशक्तिकरण के संबंध में शासन के मंशा के अनुरूप नारी शक्ति प्राप्त आदेशों व निर्देशों से अवगत कराया गया एवं उनके अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई गई, जिसमें ग्राम कुलहुई के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी कृष्ण कुमार शुक्ला सहित गांव की सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। संभल में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पुलिस से नाराज मृतक के युवक के परिजनों ने इलाके के सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ मृतक का शव रोड पर रखकर देर रात कई घंटों तक थाने का घेराव किया। बता दें कि रोड जाम और थाने के घेराव की सूचना पर कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल ने मृतक के परिजनों को युवक की मौत की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर बमुश्किल वापस भेजा। मामला संभल में नखासा थाना इलाके का है। दरअसल एक कोल्ड स्टोर के समीप सलीम नाम के युवक का शव मिला था। युवक का शव देर शाम पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस शव को गांव लेकर पहुंची थी। युवक का शव पहुंचते ही सूचना पर इलाके के तमाम लोगों की भीड़ युवक के घर पर मौजूद थी, जो आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही युवक का शव लेकर नखासा थाने पहुंच गए और शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा भीड़ ने थाने का घेराव कर लिया। संभल के सी आपको बता दें कि जो वहां के सीओ थे अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी मामला होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः लगभग 10:30 बजे थाना नखासा पर सूचना प्राप्त हुई कि नखासा क्षेत्र अंतर्गत गांव कुरकावली स्थित ग्लोरियस कोल्ड स्टोर की कूलिंग प्लांट की होद में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो मृतक की शिनाख्त सलीम पुत्र इस्तकार निवासी 32 वर्ष रुकंदी सराय थाना नखासा के रूप में हुई है। आज प्रातः फिरोजाबाद में अभी मौत का तांडव थमा नहीं है। वायरल बुखार तथा संदिग्ध डेंगू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वहीं फिरोजाबाद के सदर विधायक मनीष अशीजा की माने तो अभी तक 52 की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बीमार हैं। बहुत से मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों को लेकर आगरा व अन्य जिलों में निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर है। इस महामारी को देखते हुए सोमवार को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज स्थित बच्चों के वार्ड का निरीक्षण किया था। योगी आदित्यनाथ बेड नंबर 55 पर 14 वर्षीय कोमल पुत्री रामकुमार निवासी कबीरनगर से मिले थे और सांत्वना दी थी कि उसका इलाज बेहतर तरह से होगा, लेकिन मंगलवार की शाम को ही इस बालिका की दुखद मौत हो गई। हाथरस जनपद के शास्त्री कस्बे के गाँव नगला मियाँ के रहने वाले रामकुमार फिलहाल फिरोजाबाद के आनंद नगर खेड़ा में एक किराए के मकान में रहते हैं। मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रहे थे। इनकी 14 वर्षीय पुत्री कोमल पिछले 3 दिन पूर्व ही तीव्र बुखार से ग्रसित हुई थी। मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व सोमवार को सुबह कोमल को 100 शैया हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार को दोपहर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों से मिलने आए तो इस बालिका से भी मिले थे। इस बालिका का हालचाल जाना था, इस बालिका से बात भी की थी और उसे बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए भी डॉक्टर को हिदायत दी थी। अब इतना भैया भर्ती करिए मोड़ी ले जाए कि नहीं है, हम डिगर आए भर्ती कर आए, खून मांगो खून दो है, कोई पूछ नहीं है। वहाँ में होगी आए एक और वो कोई नेता भिन्न देखभाल करिए, नहीं कर दिए ले जाओ घर को, ले जाओ घर को बोतल लिखा देंगे। मजदूरी लाइन का आदमी मैं, सास निधि आदमी अनगला गांव है मेरा, मैं फिरोजाबाद मजदूरी करने के लिए रहता हूँ आनंद नगर खेड़ा, और वहीं पर मैं 100 शैया हॉस्पिटल है उसमें भर्ती की थी। बुखार और
खंड को चढ़ और टाइफाइड और प्लेट गिर गई थी। एलाजी नगर ने मेरी बेटी का कौन सी जगह भर्ती थी? हॉस्पिटल में। आरएलडी की न्याय यात्रा आज बागपत के मविकला काठा बागपत सरूरपुर और बडौली गांव पहुंची, जहां पर बता दें कि यात्रा में शामिल पार्टी कार्यकर्ता पीड़ित लोगों के साथ अन्य लोगों से भी मिले। उनके साथ दुख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में आरएलडी का साथ दे चुकी है। इस सरकार में दलित और पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा, दलितों का अपमान हो रहा है और इसका बदला चुनाव में लेना होगा। बता दें कि चारों ओर गुजरात के लोग उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दलितों को जागरूक होने का भी आह्वान भी किया। आपको बता दें कि रालोद ने एक न्याय यात्रा का शुभारंभ किया था जो कि 7 तारीख से सहारनपुर से शुरू होकर आगरा में समापन होना है। वहां पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बताते हुए रालोद अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने कहा कि प्रदेश के अंदर लगातार दलित पिछड़ों आदिवासियों युवाओं और बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहे हैं। 2022 में जब रालोद की सरकार बनेगी तब एहसास होगा कि कितने लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अत्याचार किए हैं। तब रालोद ही प्राथमिकता से उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब यह चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि दर्द बांटने की यात्रा है, जिसमें आपको बता दें कि वे लोगों से मिल रहे हैं ताकि पता चले कि कितने लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अत्याचार किया है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा आयोजित ये न्याय यात्रा है जिसके ध्वजवाहक जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया जी। न्याय यात्रा का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन क्रांति को लाने का है। सामाजिक परिवर्तन ला करके और जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, उसको मुख्य धारा से जोड़ रहा है। ये 7 तारीख से शुरू है और हम सहारनपुर से शुरू कर आगरा जा रहे हैं और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश प्रदेश के अंदर लगातार दलित पिछड़ों आदिवासियों युवाओं पर बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहा है और हमारा मानना है कि जब 2022 में हमारी सरकार बने तो कम से कम इस बात का अंदेशा हो कि कितने लोगों पर योगी प्रदेश सरकार के निर्देश पर 1 सितंबर बुधवार से यानी कि स्कूल खोलने जाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसके तहत आज यानी कि बुधवार को जनपद में सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने शुरू हो गए हैं। बुधवार को खुले स्कूलों में नजारा कुछ देखने लायक था, जहां पर नौनिहाल अपने दोस्तों के गले में हाथ डालकर आते हुए दिखाई दिए, वही मस्ती करते हुए पढ़ाई करते भी दिखाई दिए। विद्यालय स्टाफ भी मन लगाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए जाने के लिए उत्साहित था और पढ़ाते हुए नजर भी आया। यह भी बताया कि पहले जब विद्यालय में छात्र नहीं आते थे तो उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि आज विद्यालय खुल गए हैं इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छात्रों को नियमित शिक्षा देना शुरू कर दी गई है। और मेरे स्कूल में इस टाइम नामांकित 70 बच्चे हैं, उसमें अभी 33 बच्चे आए हुए हैं और सुबह प्रार्थना कराई गई 8 बजे, उसके बाद बच्चों ने राष्ट्रगान किया। और आज स्कूल खुले हुए तो आज मैं अपने बच्चे को यहाँ खोलने के लिए आया हूँ, तो मेरा बच्चा सेकंड क्लास में पढ़ता है। गाजियाबाद के सुहानी गेट थाना क्षेत्र में एक दुकान के टीन शेड में करंट आ गया, जिसकी वजह से 5 लोग घायल हो गए। 5 को अस्पताल में ले जाया गया जहां पर 4 की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 महिला और 1 युवक शामिल है। बारिश की वजह से टीन शेड में करंट आया था। मौके पर लोगों ने जब बच्चों को करंट से झुलसते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को फोन किया। इलाके की बिजली सप्लाई भी काटी गई है। अब तस्वीरें देखिए किस तरह से इलाके में जल भराव की स्थिति है, जिसमें 4 लोगों की जिंदगी ले ली। इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था शॉप पर यहाँ किस मार्ग जी। तो कितने लोगों के यहाँ चोट आई है? लगभग 4 लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि कोई एक्सपायर भी हो गया? हाँ, एक लड़की है 12-13 साल की, वो यशोदा हॉस्पिटल में एक्सपायर। ये किसी लापरवाही से हुआ है? शॉप की कमी है, शॉप की पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, देर से इजाजत, नमस्कार।